हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, मस्त श्रीकाल, क्या हाल चाल? ठीक हूँ मैं भी, एकदम ठीक ठाक हूँ। मस्त तो हो गई एक नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। तब भी मैं हूँ बिड्डा में, मैं आपको दिखाता हूँ बिड्डा की हसीन बात। तो गाइस फिलहाल अभी है हम बिड्डा में, बिड्डा की हसीन वादियों में आपको दिखाता हूँ मैं अभी कौन सी जगह हूँ। एक मिनट वेट एंड वाच, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह में। ये देखो गाइस, इस तरह की कुछ जगह हम आए थे अभी अपने भाई के घर में। इस यहाँ पर रहता है भाई की गाड़ी, वो सामने लगी हुई। इस तरह की जगह में आए थे, हमारे साथ है हमारी वाइफ और हमारा प्यारा सा बेबी। और देखो गाइस इस तरह की जगह है कुछ, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस ये नीचे आप देख रहे हो, ये कुछ सलाल डैम का जो दरिया है ये वो है। तो सामने जो ऊपर है ये सलाल की पहाड़ियाँ, और अभी थोड़ा आगे से शायद हमें सलाल डैम मिलेगा, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो आप देखो यहाँ की ब्यूटी, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, इस ब्यूटी का लुत्फ उठाने के लिए। हम भी आज आए हैं बहुत ही दिनों के बाद, हम भी आज आए हैं बहुत ही दूर से, बड़े दिनों के बाद आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो निशान बनाया कि गाड़ी की टक्कर लग सकती है, इसलिए धीरे चलें। तो हमारे भाई भी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो वो सामने जो रोड है वो जा रहा है तलवाड़ा से, जो रोड आता है वो वाला रोड। और जो ऊपर रोड दिख रहे हो ना, ऊपर ये जुड्डा कोड़ी जुड्डा बक्कल वगैरह, मतलब हाँ उस तरफ वाला रोड है ये सामने ऊपर वाला। और ये कर्व है यहाँ पे बहुत इस रोड में। तो आप ब्यूटी देख रहे हो ना, कितनी ज़बरदस्त, कितनी हसीन वादियाँ हैं यहाँ की, और वादियों में खोने का दिल करता है। और वाह वाह, मज़े ही मज़े। हेलो मैडम जी, क्या हाल चाल है आपके? मैडम जी का मूड है बना हुआ पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए। और अली भाई क्या कहना चाहते हो? बस बोल रहे हैं आप लुत्फ़ उठाए, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है, अली भाई के क्या कहने हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस हम यहीं पे थोड़ी साइड पे रुकेंगे। यहाँ से ऊपर शॉर्टकट रास्ता है, अगर किसी ने शॉर्टकट जाना हो ऊपर वाली साइड, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के बंदा जा सकता है आराम से। ये देखो ये पौड़ियाँ यहाँ पे, सामने देखो लिखा हुआ गो स्लो, और हमें स्लो ही जाना चाहिए इन रोड। तो गाय जैसे आप देख रहे हो, इतने हसीन वादियों में हम खो चुके हैं और आपकी हो चुके हैं। तो थोड़े आगे जाके मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल गाइस हम आ चुके हैं कोई ऐसी जगह में, इस तरह की जगह में है ना, कितनी मजेदार जगह। तो वो देखो गाइस उस तरफ जहाँ पे ये रहा सलाल डैम, ये जो ये रोड देख रहे हो इस रास्ते हम आए, तो वो रहा सामने बिड्डा का कुछ इलाका, वो सामने बिड्डा पूरा आगे तक पूरा बिड्डा। ये नीचे रही गुज्जर कोठियों वाली जगह, ये इस तरफ नीचे नीचे आ गया दरिया, और उस तरफ है सलाल डैम, और ऊपर से जाता है वो वाला रोड, यहाँ पे वो टावर दिख रहा है ना, वो वाला रोड जाता है ऊपर से, इस तरफ से ऊपर से आगे। तो इस तरह से कुछ जगह है, अब हम जाएंगे वापस थोड़ी पिक्स वगैरह क्लिक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। गाइस गर्मी आई, गर्मी हमारी मैडम, तो आज मैं पहली बार दिखा रहा हूँ अपने जहान को अपने यूट्यूब पर। तो कमेंट सेक्शन में बताना हमारा बेबी आपको कैसा लगा। अरे हमारे रिफाकत भाई, अली भाई के नाम से जो मशहूर हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो गाइस आप देख रहे हो, हमने मुझे एक बहुत ही अच्छी सी जगह दिखी है, मैं आपको दिखाऊँ। देखो गाइस ये कुछ इस तरह की जगह है अंदर पूरी, इसी पूरी जगह यहाँ पे बंदा ठहर सकता है, बारिश वगैरह हो तो यहाँ पे बंदा ठहर सकता है। नीचे किसी ने घास भी डाला पता नहीं क्यों, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये घास क्यों डाला किसी ने नीचे। हेलो गाइस, तो कैसे हो? गाइस अभी हम आए हैं अली भाई के घर में, तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और अपनी वाइफ
और बेटी को सुनाया है बेड पे। तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ शायद हम करेंगे लंच के बाद यहाँ से निकलेंगे वापस करने। आपको बिड्डा का जो इलाका है वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे हमारा हो चुका है लंच और अभी हम जा रहे हैं वापस घर को। जाते वक्त आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कुछ इस तरह का व्यू है। देखो भाई इस तरह का कुछ रोड है यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार रोड है। आगे मैं दिखाता हूँ जो बिड्डा की बहुत ही बड़ी मार्केट है यहाँ पे, मैं वो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, एक मिनट वेट करो। और सामने का व्यू देखो आप, वो बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सामने देखो कितना अच्छा रोड है, और रोड में आगे सामने आ रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स, और सामने बहुत ही प्यारी प्यारी टकरियाँ खड़ी हुई हैं, किसी को नहीं बताना। तो इन लड़कियों को हम करेंगे यहाँ से गुड बाय और निकलेंगे आगे। बाय बाय, टेक केयर। तो गुड बाय कर दिया और आगे। ओ देखो आपने बिड्डा की मार्केट नहीं देखी, ओ सॉरी भूल गया था मैं, बिड्डा की मार्केट दिखाने में कुछ इंटरेस्टेड दिख गया था हमें। तो हमारी मैडम पीछे बैठी हुई हैं, ये मैडम हमारे पीछे बैठी हुई हैं, उनके सर पे दुपट्टा नहीं है जैसे उनका कहना है। तो वो सामने देख रहे हो, ये रहा पूरा आर्मी एरिया, CRPF का एरिया, मतलब आर्मी एरिया पूरा। और ऊपर जो रोड दिख रहे हो ना, ये जा रही है रोड। और ये मंदिर यहाँ का बहुत ही महान, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और सामने हमारे गाइस दिख रहे हो, गाइस तो ब्लूटूथ ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी अभी चल रही है व्लॉगिंग के टाइम पे कोई हमें गाने लगा के डिस्टर्ब करे ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखो ये पूरा आर्मी एरिया है, तो यहाँ से ऊपर ये गेट है इनका, BSF 226 BN CRPF का ये। तो निकलते हैं हम यहाँ से आगे, थोड़ी देर में मिलते हैं आगे जाके आपको। अभी हमारी वाइफ की तरफ से हमें बहुत ही बड़ी बड़ी धमकियाँ मिल रही थी कि बंद करो जल्दी जल्दी अपना ब्लूटूथ बंद करो, ये वो मेरे को गले से पकड़ा, वो देखो मेरा बटन भी खोल दिया यहाँ से, आज मैं बदमाश बना हुआ था वैसे आप देख रहे हैं। तो अभी ये कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इधर से क्लिक करना पड़ता है दो बार, अब कनेक्ट हो जाता है, अब हो गया। तो इनको कनेक्ट करना भी नहीं आ रहा था, अभी मैंने बताया भी हो गया कनेक्ट, अभी मैं बताया वो हो गया भाई, तो मैंने बताया कनेक्ट कैसे होते हो गया, लेकिन फिर भी इसको कहीं जा रहे थे कहीं जा रहे थे। देखो आप देख रहे हो जैसे कि गले में कैसे पकड़ रहे हैं, हमारी वाइफ हो गई हमें गले से पकड़ती है, तो इससे अच्छा इससे आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे इतना प्यार है हमें इनसे कि हमारे को गले से पकड़ रही है हमारी वाइफ जी। क्या कहना चाहते हो आप? देख लो हमें ब्लॉगिंग भी नहीं करने देते, बोल रहे ब्लॉगिंग बंद करो हमें गाने सुनने दो। देखो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है हमारे वीडियो में, लेकिन वो फिर बाकी ना उसके 10-15-20 व्यू हो जाते हैं, उससे आगे व्यू नहीं जाते क्योंकि हमारे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसकी वजह से गाने वगैरह ये वो। भाई इतना सैड क्यों है पहले ये बात बता, शादी होने वाली है अभी आपकी तब भी सैड। वो देखो ग्रीनरी ग्रीनरी और मौसम कितना सुहाना, सुहाने रुत की मौसम में हम मजे तब उठा रहे हैं, वो थोड़े से गाने गुनगुना रहे हैं। देखो गाइस कितना ही प्यारा मौसम है आज, जब आ रहे थे तब इतना अच्छा मौसम नहीं था लेकिन अभी बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। और देखो ये रोड कितनी ही प्यारी है, साइड में पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, बीच में रोड इतना ही प्यारा लग रहा है। ये है हमारा ज्योतिपुरम का रोड, ज्योतिपुरम सलाल डैम का रोड है ये, तो इतना ही प्यारा NHPC वालों का रोड है ना, ये NHPC वालों ने बनाया हुआ ये रोड, तो बहुत ही प्यारा है। और सामने जो देख रहे हो नहीं पूरे NHPC की बिल्डिंग्स वगैरह हैं ज्योतिपुरम में, तो अभी ये बहुत ही कम रह गए यहाँ पे, बहुत ही पहले ज़्यादा लोग रहते थे लेकिन अभी बहुत ही कम हो गए। ये हमारा गैस स्टेशन है जो ये, तो आजकल गैस मिलती है यहाँ से, हाँ आजकल यहाँ से गैस भी मिलती है। तो आप जैसे ये देख रहे हो ना यहाँ से सामने से ये जो नाला है, इसमें से पहले ऊपर रोड जाता था, तो आजकल ये रोड बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। ये अली भाई हमें बताएं क्यों बंद किया, बताओ अली भाई क्यों बंद किया ये? हाँ तो क्या किया ना NHPC वालों ने अपना एरिया अलग कर दिया, तो इसलिए ये जो रोड छाड़गढ़ ऊपर जाती थी ये रोड भी बंद कर चुके हैं यहाँ से। कोशिश करेंगे जल्दी हम खुलाने की इस रोड को, पर हमारी कौन सुनता है, आपको पता ही है हम सिर्फ बकवास कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से टर्न होता है रोड, और कितना ही प्यारा रोड है, रोड की हम तारीफ करते करते पर नहीं अपनी मंजिल में पहुँचेंगे, लेकिन रोड की तारीफ फिर भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि है इतना प्यारा रोड है।
क्या कर सकते हैं हम, सामने से आ रही है पुलिस की गाड़ी बहुत ही आराम आराम से आ रही है, पता नहीं इन्जॉय करते करते आ रहे होंगे वो हमारी तरह, लेकिन इन्जॉय बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा इन्जॉय कर रहे हैं। तो और सामने की पहाड़ियाँ देख रहे हो, और वो सामने जो देख रहे हो ना नीचे वाली पहाड़ी, ये वाली ये है पिट्टा, और सामने वाली पहाड़ी चाटी चूटी उधर पड़ता है, फिर सांग लगाए हुए हाथ से मेरी तू ले ले दे रोने दे जाखिया ना, जो बहुत ही जैसे सैड हुआ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दिल दुल इसका कुछ नहीं टूटा है, इसकी अभी शादी है अगले 2-3 मिनट में, तो लेकिन फिर भी ये सैड सा सुन रहा है, पता नहीं क्यों। NHPC फायर स्टेशन छुट्टीपुर में ये देखो सामने लिखा हुआ है, ऐसे नीचे रोड पता नहीं कहाँ को जाता है, जहाँ को जाता है हमने कौन से इस रोड में जाना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे मस्जिद है, अभी हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस बेटा गए थे यहाँ से जा रहे हैं वापस हमें इस तरह के। हाँ और तो वो मार्केट में कुछ काम है क्या हमें टाइम दोस्त तुम जा टाइम हो गया समझ लो 3 बज गए छोड़ो यार कल जाएंगे।